यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज जो आपका पेपर होने जा रहा है यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए पूरे प्रश्न को आपको पहले दिखा देता हूँ तब आपको यकीन होगा कि प्रश्न पत्र ओरिजिनल है कि नहीं। चलिए यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आप पूरे हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पूरे हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र के सोल्यूशन करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का यहाँ पर ज्योग्राफी का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। तो अभी की इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करा देने जा रहा हूँ, पूरे प्रश्न का आपको उत्तर बताऊंगा, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका जितना भी पेपर आपको यहां पर मिलेंगे बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेंगे, आप क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल हूबहू एग्जाम में जाएंगे, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आएंगे, क्योंकि मैंने देखा आज मैं जितना पेपर आपको दिया बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको दिया, क्योंकि मेरे पास सभी पेपर सुबह में ही आ गया। तो चलिए पूरे प्रश्न का सोल्यूशन आपको मैं करा देता हूं, यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी का आपके लिए बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसका मैं पूरे का सॉल्यूशन कर लिया हूं, उसका मैं आपको उत्तर आपको बता देने जा रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न की शुरुआत करते हैं, यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपको टोटल आपको 70-30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका यहां पर 35 ही प्रश्न को आपको बनाना है आपका ज्योग्राफी का पेपर में। तो यहां पर एक नया प्रश्न आपके सामने, एक नया प्रश्न का उत्तर आपको जानने का प्रयास करेंगे, पूरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि मैं इसी प्रकार का हर एक दिन आपके लिए जितना भी आपका एग्जाम से पहले पेपर आएगा सभी पेपर आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसके आप देखकर पूरे एग्जाम में जाकर पूरे प्रश्न का उत्तर आपको सही सही मार लेना है। चलिए एक ना प्रश्न क्या करें, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली वर्णी में से किसने किया था, तो किसने किया था तो आपको इसका उत्तर याद होना चाहिए एरिस्टोटेलीज ने ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा एरिस्टोटेलीज, कहां है तो ऑप्शन सी पर है। अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दोनों प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको देखने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है, बिल्कुल सही है आपका जलवायु विज्ञान। तीन नंबर प्रश्न क्या, निम्न से कौन मानव भूगोल का शाखा है, तो बिल्कुल सही है मानव भूगोल का शाखा ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इसीलिए तो दिया गया इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। चलिए अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, वीडियो को लाइक करके उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे। जिनने आर्ट्स रखे होंगे, आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा 14 मार्च के दिन, सेकेंड पाली में आपका ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है, हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको यहाँ पर बताएंगे। चौदह प्रश्न, परिस्थिति का अध्ययन भौतिक भूगोल को निम्न से कौन सा शाखा से संबंधित है, बिल्कुल सही चारवां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान। पांचवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए निम्न से कौन भू सूचन विज्ञान के लिए संबंधित नहीं है, तो पांचवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न से किसे पृथ्वी का उत्पादित संबंध में निहारिक परिकल्प की प्रतिपादित की, तो छठा प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात लेपस। अगला प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सातवां प्रश्न का उत्तर आपको जानने का प्रयास करें। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, काफी व्यू बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लाने में सबसे पहले सबसे ज्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे। सातवां प्रश्न, निम्न से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, बिल्कुल सही सातवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की बृहस्पति। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, आठवां, चंद्रमा निम्न से किस ग्रह पर प्राकृतिक उपग्रह है, तो आठ नंबर, नौवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी बुध पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, चलिए जल्दी से आपको नौवां प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से आपको याद कर लेना, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूभृक काल में संबंधित है, बिल्कुल सही आपका नौवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात की जुरैसिक का। अगला प्रश्न दस नंबर क्या कह रहा आपसे, भूकंपीय तरंग को कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरंग के होते हैं, बुआ भी जानते हैं ऑप्शन सी। चलिए इसी प्रकार के पूरे प्रश्न मिलेंगे, इसलिए मैं आपको वाटर मार्क सेट कर दिया, क्योंकि दूसरे कोई इस पीडीएफ को ना ले, सिर्फ आपको लेना है इस पीडीएफ को और उसके बाद आपको पूरे प्रश्न का उत्तर आपको याद कर लेना है। चलिए पूरे प्रश्न आपको मैच करेंगे, 11 नंबर देखिएगा, आज एग्जाम में जाइएगा कमेंट में आपको जरूर एग्जाम में जाइएगा, सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है, 11 नंबर प्रश्न में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेंगे और यही सबका ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या कर लेना है भूकंप टिक कर लेना है। 12 नंबर प्रश्न आपको रहेंगे एग्जाम में, इस 12 नंबर प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न है आपको, बिल्कुल भूपृष्ठ एवं भूप्रवाह के बीच में सीमा को क्या कहलाते हैं, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की मोह असंगीत। अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसे प्रतिपादन किया, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात की वेगनर। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न से कौन सा जलमुखी का स्थलीय कृति है, तो 13 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जानने का प्रयास करेंगे, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का क्रोध से जाना जाता है, 15 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सीम से। अगला 16 नंबर प्रश्न, प्लेटो का वर्तनी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेट है, तो आपका 16 नंबर प्रश्न
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कि 3 है। अगला प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न का उत्तर, 17वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है, तो अभ्रक है। अभ्रक आपका खनिज नहीं है। आपका यहाँ पर कितना प्रश्न था, बिल्कुल सही अभ्रक। चलिए 17वां प्रश्न था, यह आपका 18वां प्रश्न होगा, 18 नंबर। चलिए हाँ 18वां प्रश्न है आपका, ये 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चट्टान अध्ययन विज्ञान को क्या कहलाते हैं सर। 18वां प्रश्न का उत्तर आपको टिक करना है, पेट्रोलॉजी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न का उत्तर जाने का, एग्जाम में हूँ वो प्रश्न मिलेंगे, निम्न में से कौन सा सीमा रेखा भारत में लगभग बीच से होकर गुजरती है सर, कार्क की रेखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही 19वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, जलमुखी के उद्गार समय में निकालने के लिए तरल पदार्थ को क्या कहलाते हैं, तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैग्मा कहलाते हैं, ऑप्शन ए। अगला 21वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत से बहती है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात की गंगा। 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षाया है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ए अर्थात की रासायनिक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न का उत्तर 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, पक्क जल संधि निम्न में से किस देश से भारत से अलग करती है, तो 23वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। 24वां प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र से होती है, तो 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन ए अर्थात की भूसंकलन। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, थार मरुस्थल निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी अर्थात की राजस्थान का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 26वां प्रश्न, शिवलिक श्रृंखला विस्तार निम्नलिखित किस राज्य में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करना भूलेंगे, चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है ताकि एग्जाम में जितना भी पेपर मिलेगा सभी पेपर यहां से आपको मिलेगा, बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 26वां प्रश्न का सब यहां पर चलिए सॉरी 26 नंबर, चलिए यहां पर 26 नंबर, 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नया जलोद मिट्टी को क्या कहलाते हैं सर, नया जलोद मिट्टी को हम खादर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन पर्यादीपीय के लिए पृथ्वी पर सबसे ऊंचा चोटी है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात कि आइना मूडी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या कर आपसे, 29वां, निकोबर द्वीप समूह के किस सागर से स्थित है, तो 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी अर्थात कि हिंद महासागर। अगला 30वां प्रश्न क्या कर आपसे, गर्ज किस प्रकार की घाटी है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा अर्थात कि भी आकार का। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, 31वां प्रश्न आपके सामने, गोखुर झील निम्न से किस क्षेत्र में पाया जाता है, 31वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा अर्थात कि नदी घाटी का। अगला 32वां प्रश्न क्या कर आपसे, निम्न से किस गैसों का मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो 32वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, ओजोन गैस के वायुमंडल की परत की पाई जाती है सर, 33वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी समताप मंडल पर। अगला 34वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, निम्न में से कौन सा सिंधु नदी के सहायक नदी है, तो 34वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अर्थात की झेलमा। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, 35वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा गंगा नदी का उद्गम स्थान है, तो 35वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात की गंगोत्री। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से नदी उद्गम स्थान से कैलाश पर्वत है, तो 36वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात की कावेरी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 37वां प्रश्न यहां पर बिल्कुल सही अर्थात की धुआंधार जल प्राप्त के लिए निम्न में से किस शहर को मानता है, तो जलवापुर को ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 38वां प्रश्न, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहलाते हैं, तो 38वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप इसका उत्तर देख लेना, इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारे हिसाब से, नहीं बिल्कुल सही, इसका उत्तर समुच्च रेखा होगा, बिल्कुल समुच्च रेखा पर यह क्या मिलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, पूरे प्रश्न का आपको सोल्यूशन कराते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, निम्न से कौन उष्मा का कटिबंधीय चक्रवात है, तो 29वां प्रश्न का उत्तर, 40वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको कितना बनाना है, तो आपको 35 ही बनाने में आपको, चलिए 35, 40 से लेकर आपको पूरे 50 तक आपको शुरू से सीधे सीधे उत्तर बता देता हूं, आपको याद कर लेना। चलिए 40वां प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना, 40वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 41वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 41वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। 42वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कोपेन। 42वां प्रश्न का CO2 होगा, इसीलिए CHO, इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी होगा। 43वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, यहाँ की सरलते ऋतु। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार के ऋतु सरते हैं, में से किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, तो 44वां प्रश्न का उत्तर वन सदबहार वन। आपका 45वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर आपके सामने ऑप्शन ए होगा लू। 46वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 46वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी। अगला 47वां प्रश्न का उत्तर, जल्दी से प्रश्न को सीधे सीधे आपको कर देते हैं। 51वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने यहाँ पर देखिए, 40 51
चलिए इतना ही प्रश्न रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए आपको इतना पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव कर लेना है। पूरे प्रश्न का मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव के आंसर की बता दिया, तो पूरे प्रश्न का आपको यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे हैं। ज्योग्राफी का आपके लिए हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का चर्चा में कर लिया। इसी प्रकार आपका जितना भी पेपर आगे आपको मिलेंगे बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास जैसे ही कोई अगला पेपर में डालू आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि इस पेपर को कैसे आप डाउनलोड करेंगे, ये जो आप पेपर देख पा रहे होंगे ये पेपर को आपको कैसे डाउनलोड करना है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए बेहद आसान है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पर क्लियर आपको दिखा दिया, पूरे हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, एग्जाम में जाएंगे पूरे प्रश्न को छाप कर आ जाएंगे। चलिए इसका पेपर को डाउनलोड करने के लिए बेहद आसान है, आपको यहाँ पर देख पा रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको पूरे पेपर आपको दिया जाएगा, आपको वहाँ से पूरे पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको पूरे पेपर सेंड कर दिया गया टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल में आपको इस पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से आपको वहाँ से प्राप्त कर ज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, आपके लिए नेक्स्ट पेपर में आपका जितना भी आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का जितना भी आपका एग्जाम होगा, तो आपके आगे जो भी आपका हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, होम साइंस का सभी का पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर कर लेना है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।